स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं DRX रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ ब्लड टॉपिक के, बायोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों ये लास्ट वीडियो है हमारे ब्लड टॉपिक का, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, द ओनली पार्ट ऑफ बॉडी वेयर नो ब्लड इज फाउंड। आपको बताना है बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जहाँ पर ब्लड नहीं पाया जाता है, या आप ये कह सकते हैं जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। तो आपको आंसर करना है आई, और आई का कौन सा पार्ट होता है, कॉर्निया। ठीक है, तो आपकी आँखों में एक पार्ट होता है कॉर्निया, आँखों का भाग है, और कॉर्निया में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है या ब्लड जो है नहीं पाया जाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। व्हेन पर्सन इज स्लीपिंग व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ RBC। आपको बताना है कि जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसकी बॉडी में जो RBC की संख्या होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, RBC की संख्या घटती है कि RBC की संख्या बढ़ती है। तो आपको आंसर करना है डिक्रीज्ड, यानी RBC की संख्या घटेगी, यानी जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसके शरीर में RBC की संख्या घट जाती है। क्यों घट जाती है, इसका कारण होता है कि जब हम लोग रिलैक्सिंग पोजिशन पर होते हैं तो बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होती है, केवल उतनी ही रिक्वायर्ड होती है जितने से रिस्पायरेशन हमारा कंटिन्यू रहे। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, और हीमोग्लोबिन पाया जाता है RBC के अंदर। तो सीधी सी बात है, अगर कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो कम RBCs प्रोड्यूस होंगी बॉडी से, बस यही कारण होता है। क्वेश्चन नंबर तीन पर चलते हैं, नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। आप आंसर करेंगे जाकर के स्प्लीन को, ये मैंने क्वेश्चन करवाया है, आप प्रीवियस वीडियो पे जाइए और देखिए। और साथ ही साथ ब्लड बैंक मैंने लिखा है, यानी जो स्प्लीन होता है उसको बॉडी का ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक है, तो RBC का कब्रिस्तान स्प्लीन, और स्प्लीन को बॉडी का ब्लड बैंक भी कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते क्वेश्चन नंबर चार की तरफ, व्हाट इफेक्ट ऑन RBC नोटेड व्हेन वी गो टू हाई एल्टीट्यूड एरिया। ये पूछना चाह रहे हैं कि जब हम लोग किसी ऊंचे स्थान पर जाते हैं, किसी पहाड़ी स्थान पर जाते हैं जहाँ पे चढ़ाई ज़्यादा हो, ऊंचाई ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हमारी बॉडी में जो RBCs होती हैं, RBC जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती है, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब वो घटेंगी ऊपर जाने पे कि बढ़ेंगी। तो आपको आंसर करना है इनक्रीज़, यानी बढ़ेंगी। अब इसका रीज़न जान लीजिए क्यों बढ़ेंगी। इसका रीज़न ये होता है, फिर से वही बात आ जाएगी कि अगर आप ऊपर जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड एरिया, आपने पर्वत पे, सपोज दैट आपने पहाड़ पे चढ़ाई करी, तो आपने ये तो सुना ही होगा कि पहाड़ों पे जाने पे ऑक्सीजन बॉडी को कम मिलती है क्योंकि ज़मीन से ऊंचाई बढ़ जाती है। ठीक, अब होगा क्या कि जब बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो बॉडी जो है नई RBCs प्रोड्यूस करेगी। और RBCs क्यों प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि RBC कंटेन्स करती है पिगमेंट्स हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पे हो सकता है या हो पाता है जितनी हमको ज़रूरत होती है। ठीक, तो अब क्या है, पहाड़ों पे हमको चाहिए ज़्यादा, मिल रही कम, तो अब पूर्ति करने के लिए, वो जो बची हुई ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए बॉडी नई RBCs बनाता है जो जाकर के ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पाँच की तरफ चलते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में कितने तरीके के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, आपको आंसर करना है 4। ब्लड ग्रुप ओ, जो कि जाना जाता है आपका यूनिवर्सल डोनर, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, और ब्लड ग्रुप AB। AB का मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड नोन एज, यानी ये पूछ रहे हैं कि जो ब्लड का तरल पदार्थ, जो तरल पार्ट होता है, यानी जो तरल भाग होता है ब्लड का, उसको क्या कहते हैं। तो आपको आंसर करना है प्लाज्मा। ठीक है, यानी जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का उसको प्लाज्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, और 7 पे चलने से पहले इसी का एक थोड़ा सा पोर्शन है कि कलर जो हमारा प्लाज्मा का होता है वो येलो कलर का होता है, और येलो कलर क्यों होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिलरुबिन, क्योंकि उसमें बिलरुबिन पाया जाता है। ठीक है, और ब्लड में ही आपकी RBCs होती हैं, WBCs होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, RBC के ब्रेकडाउन होने से ही बिलरुबिन बनता है। ठीक है, तो यानी बिलरुबिन की वजह से येलो कलर हो जाता है प्लाज्मा का। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ बॉडी, आपको बताना है कि बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, यानी सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। देखिए, तो इसके दो आंसर आएंगे, पहला आ जाएगा स्पर्म सेल और दूसरा आ जाएगा RBC। ठीक,
तो अब आप ये कहेंगे कि किस पे टिक करेंगे। देखिए, अगर आपको स्पर्म मिलता है तो आप स्पर्म पे टिक करेंगे, ठीक। लेकिन अगर स्पर्म नहीं मिलता है और आरबीसी दी गई है, तब आप आरबीसी पे टिक करेंगे। आरबीसी में भी कौन सी आरबीसी? एक स्पेसिफाइड आरबीसी है, उसका नाम है मस्क डियर, ठीक है। तो मस्क डियर आरबीसी है, वो होती है फिर स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। रेशियो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, आपको आंसर करना है 600:1, यानी 600:1, ठीक। अब अगर बात करते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की, रेशियो ऑफ डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो आपको आंसर करना है 1:40, यानी 1:40, ठीक है। अगर आपसे प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी का रेशियो पूछे, ये तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का हो गया, तो आप इसको पलटा देना, यानी 40:1, ठीक है। 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। विटामिंस विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, देखिए ऐसा कौन सा विटामिंस है जो कि ब्लड के क्लॉटिंग में, यानी जब रक्त का थक्का जमता है तो उसमें अहम रोल प्ले करता है, ठीक। तो आपको आंसर करना है विटामिन के, और विटामिन के का नाम क्या है? फाइरोक्विनोन। दोस्तों, अगर आपको विटामिन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पर विज़िट करिए, और वहाँ पर हमने विटामिन के 2 वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आप आराम से उसको देखिए और याद करिए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन, हाउ मच लेस ब्लड प्रेजेंट इन फीमेल एज़ कम्पेयर्ड टू मेल। देखिए, ये पूछ रहे हैं कि जो फीमेल बॉडी होती है उसमें कितना कम ब्लड होता है अगर किस तुलना करें किसी मेल कैंडिडेट से। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर मेल और फीमेल दोनों में हम तुलना करते हैं, तो फीमेल में कोई भी चीज़ हो, चाहे हार्ट का वेट हो, चाहे ब्रेन का वेट हो, चाहे लीवर का वेट हो, ठीक, वो कम ही होता है, चाहे ब्लड का वॉल्यूम हो। तो अब ये पूछ रहे हैं जो ब्लड का आयतन, ब्लड का जो वॉल्यूम है, जो क्वांटिटी है, अगर मेल में 5 लीटर है तो फीमेल में कितनी होगी। तो आपको आंसर करना है फीमेल में 0.5 लीटर कम ब्लड पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल, यानी 4.5 लीटर फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यानी 0.5 लीटर जो ब्लड है वो कम पाया जाता है फीमेल बॉडी में एज़ कम्पेयर टू मेल बॉडी। 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। फिल्टरिंग ऑफ ब्लड थ्रू आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड एज, आपको बताना है कि जब ब्लड को हम लोग किसी आर्टिफिशियल किडनी से फिल्टर करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। आपको आंसर करना है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डायलिसिस, और डायलिसिस का मतलब हो गया जाकर कि जब जो आपकी नेचुरल किडनी है उनका जो प्रॉपर फंक्शन है, जो प्रॉपर वर्क है, वो प्रॉपर नहीं कर पा रही हैं, इस वजह से वो जो हमारा पेशेंट है या जो कोई ह्यूमन बीइंग है वो डिपेंड हो गया है मशीनों पे। तो जब आपकी किडनी वर्क नहीं करती प्रॉपर तो वो मशीनों पे डिपेंड हो जाता है, और जब मशीनों से उसका ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो उसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं, और इसको हिंदी में अपोहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। नेम द फ्लूड दैट इज लेफ्ट आफ्टर क्लॉटिंग, पूछ रहे हैं कि जब क्लॉट हो जाता है ब्लड, ठीक, आपने ब्लड का सैंपल लिया और ब्लड का सैंपल जब क्लॉट हो जाता है तो उसमें एक फ्लूड जो है पोर्शन ऊपर रह जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सीरम, ठीक है, वो जो है जाना जाता है सीरम के नाम से। नेम द फ्लूड दैट इज लेफ्ट आफ्टर क्लॉटिंग, तो वो होगा सीरम, ओके। या इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके ब्लड से हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर निकाल लें जो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, तब क्या बचेगा? तब सीरम बचेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, आपको बताना है प्लाज्मा का मेन फंक्शन क्या है। आप आंसर करेंगे ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फूड हार्मोन्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी जो आपके पचा हुआ भोजन होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, साथ ही साथ जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का उसको लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, यानी ट्रांसपोर्टेशन करना, ये फंक्शन होता है प्लाज्मा का। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। द प्रोसेस बाई विच ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी, ये कह रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस, देखिए जब किसी का जन्म होता है तो आप सीधी सी बात समझिए कि ह्यूमन बॉडी में जो अगर सेल्स पाई जाएंगी, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, तो इनका जब जन्म होता है तो इनके जन्म के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मतलब इनके जन्म लेने की जो एक घटना होती है उसको क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है हीमोपोइसिस या हीमेटोपोइसिस, ठीक। हीमो का सेंस सीधे हीमोग्लोबिन से ले लीजिए, हीमोग्लोबिन का मतलब हो गया जाकर ब्लड, और ब्लड में ही आपकी तीनों चीज़ें पाई जाती हैं जो ब्लड की सेल्स होती है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो इसको हम लोग हीमोपोइसिस कहते हैं। और पोइसिस में जो सिस लगा है, SIS, सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, मतलब बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होना, ठीक है, किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होना, जब बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है तो
SIS से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होना, ठीक है। तो हीमोपोइसिस यानी हीमो का मतलब हो गया जाकर के ब्लड, और पोइसिस में आपका मतलब हो गया जाकर के ब्लड का बनना, ठीक है, या हिमाटोपोइसिस। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन, डिसीज़ इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज़ होती है? अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई या ब्लड की कमी हो गई तो कौन सी डिसीज़ होगी, कौन सी बीमारी होगी? आपको आंसर करना है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है अरक्तता, यानी आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाना या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना या RBC की कमी हो जाना, ये तीनों ही चीज़ें आपकी एनीमिया को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। और एनीमिया में आपकी बॉडी एलो हो जाएगी, फीवर भी रहेगा और वीकनेस आ जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे, डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द एक्सेसेस ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ये कह रहे हैं कि अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाए, अभी तो घटी थी तो एनीमिया हो गया, अब अगर बढ़ जाए तब क्या होगा? तो आपको आंसर करना है पॉलीसाइथीमिया। और पॉलीसाइथीमिया होता क्या ये बता दें। देखिए पॉलीसाइथीमिया में होगा क्या कि हीमोग्लोबिन की मात्रा या ब्लड की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, ठीक। और अगर ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा, तो उसके बॉडी के अंदर ही क्लॉट होने की संभावनाएँ हो जाएंगी, क्योंकि बॉडी के अंदर हमारा ब्लड एक तरल अवस्था में रहता है और वो जमता नहीं है। लेकिन जब ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो ब्लड का जो है बॉडी के अंदर जमने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक, जिससे क्या होगा कि ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ब्लड फ्लो रुकेगा तो बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी प्रॉपर सभी जगह पे, तो इससे क्या होता है हार्ट फेल्योर या ऑर्गन फेल्योर, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर टाइप की जो घटनाएँ हैं बॉडी के अंदर या जो दिक्कतें हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं, इसी को कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। और पॉलीसाइथीमिया इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एनीमिया, यानी ये भी एक तरीके का एनीमिया ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ WBC अकर्स इन। आपको बताना है जो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं WBC वो कहाँ पे बनती हैं, तो आपको आंसर करना है बोन मैरो और लिम्फ नोड, दो जगह पे बनती है, बोन मैरो में भी, वाइट बोन मैरो में और लिम्फ नोड में। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे, टाइम टेकन इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। जब ब्लड जमता है, सपोज दैट आपको आपके बॉडी में कहीं इंजरी हुई, कहीं कट गया, तो कटने के बाद ब्लड निकला, अब वो ब्लड कितनी देर के बाद जम जाएगा, तो आपको आंसर करना है 4 to 10 minutes, यानी 4 से 10 मिनट में ब्लड वो क्लॉट हो जाता है प्रॉपर। 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, इज न्यूक्लियस प्रेजेंट इन WBC। वो पूछ रहे हैं कि क्या WBC में यानी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो आपको आंसर करना है यस पाया जाता है। फिर पूछेंगे कि इज न्यूक्लियस प्रेजेंट इन RBC, क्या RBC के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, तो आपको आंसर करना है नो। क्यों? क्योंकि RBC होता है आपका एक बाइकॉनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क, ठीक है, बाइकॉनकेव होता है और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है यानी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, टर्म हाइपरटेंशन यूज्ड फॉर। देखिए हाइपरटेंशन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको आंसर करना है व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड इन द बॉडी, जब बॉडी में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको कह देते हैं हाइपरटेंशन। हाइपर का मतलब बढ़ जाना, ठीक है। और 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन के पहले ही देख लेते हैं, और व्हेन डिक्रीज नोन एज हाइपोटेंशन, और जब बॉडी में ब्लड का प्रेशर डाउन हो जाए घट जाए तो उसको कहते हैं हाइपोटेंशन, यानी हाइपो का मतलब कम हो जाना। अब हाइपर और हाइपो आप समझ लीजिए, हाइपर का मतलब किसी चीज़ का बढ़ जाना और हाइपो का मतलब किसी चीज़ का घट जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज। पूछ रहा है कि जब बॉडी में जो भी हमें ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होती है या जो भी ब्लड की मात्रा में चाहिए होती है, ठीक है, इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई यानी जो रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की वो इनसफिशियंट हो जाए, ठीक है, वो पूरी ना हो पाए ह्यूमन बॉडी में, तो इस घटना को क्या कहते हैं या इस कंडीशन को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे इस्कीमिया। इस्कीमिया का मतलब ही हो गया जाकर के कि जो भी ब्लड की सप्लाई हमें रिक्वायर्ड है बॉडी में वो ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो उसको कह देते हैं इस्कीमिया। और एक डिजीज़ होती है इस्केमिक हार्ट डिजीज़, उसमें क्या होता है कि हार्ट को जो भी ऑक्सीजन या जो भी ब्लड की सप्लाई चाहिए होती वो नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे क्या होता है हार्ट फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसी को कहते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़। तो इस्केमिया का मतलब आप लेंगे जाकर कि या तो ब्लड सप्लाई से या ऑक्सीजन की सप्लाई से, ठीक, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट में ऑक्सीजन की या ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, इसको कहते हैं इस्कीमिया। 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, मिनरल्स रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन।
जब ब्लड जम रहा होता है, आपके कहीं चोट लगी उसके बाद ब्लड जमने का टाइम आपने देखा 4 to 10 मिनट्स, तो वो जो जमने का टाइम होता है उस समय बॉडी में कौन सा मिनरल्स एक्टिवेट होता है, तो आपको आंसर करना है कैल्शियम, यानी Ca+2। ठीक है, कैल्शियम की हेल्प से ही ब्लड कोगुलेट होता है। 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन, नोन एज मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, ब्लड में मैट्रिक्स के नाम से कौन जाना जाता है। ठीक है, ब्लड में मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो आपको आंसर करना है सीरम, सीरम को ही ब्लड का मैट्रिक्स कहते हैं हम लोग। 26 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, बताना है कि ह्यूमन ब्लड में, मनुष्य के रक्त में जो शुगर होती है, शुगर वो मैक्सिमम किस फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, रेफिनोज, ठीक है, डेक्स्ट्रोज, तो किस फॉर्म में पाई जाती है, आपको आंसर करना है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को ही हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रोज, यानी सेकेंड नेम ऑफ ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोज। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है, आपको आंसर करना है डेक्स्ट्रोज। ठीक है, फ्रक्टोज का दूसरा नाम क्या है, आपको आंसर करना है लेविलोज। सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है, फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज का दूसरा नाम क्या है, लेविलोज, ये PCS में पूछा गया क्वेश्चन है। 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, डिजीज नोन एज क्रिसमस डिजीज, आपको बताना है ऐसी कौन सी डिजीज है, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसको क्रिसमस डिजीज या क्रिसमस बीमारी के नाम से जानते हैं, तो आपको आंसर करना है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में होगा क्या कि जो आपका ब्लड कोगुलेशन होता है वो नहीं होगा, यानी एक बार अगर आपके कहीं कट लग गया तो आपका ब्लड जो है वो फ्लो होता ही रहता है, ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल फाइब्रिनोजेन आपका हो गया। ठीक है, एक आपका पाया जाता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और एक पाया जाता है क्रिसमस फैक्टर, तो इसमें क्या आता है, अगर क्रिसमस फैक्टर एब्सेंट है या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर एब्सेंट है या फाइब्रिनोजेन एब्सेंट है, ठीक है, एब्सेंट है, अनुपस्थित है, अगर ये तीनों में से कोई नहीं पाया जाता है या कोई एक गायब हो जाए तो हीमोफीलिया रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हीमोफीलिया में होता क्या है, जो आपका ब्लड होता है वो सही से कोगुलेट नहीं होता है, वो होता ही नहीं, यानी आपका ब्लड एक तरीके से पानी बन जाता है। ठीक है, 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, कंडीशन वेयर इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स नोन एज, कह रहा है कि ऐसी उस कंडीशन को क्या कहेंगे बॉडी में जब प्लेटलेट्स की संख्या एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाए। ठीक, तो आंसर करेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। देखिए, सिस का मतलब मैंने बताया था आपको फॉर्मेशन होना, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होना, और थ्रोम्बोसाइट इज द नेम ऑफ, सेकेंड नेम ऑफ प्लेटलेट्स, यानी अगर प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाएगी तो उसको कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक, अगर डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, अगर नंबर ऑफ प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाए तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, यानी पीनिया वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज़ के डिक्रीज होने को। ठीक है, तो यानी थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कहेंगे डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स को। 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, इफ़ द नंबर ऑफ WBC राइज एबनॉर्मली नोन एज, देखिए अगर WBC की संख्या बॉडी में एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाए तो उसको क्या कहेंगे, WBC का सेकेंड नेम क्या होता है, ल्यूकोसाइट, और अगर संख्या बढ़ रही तो सिस लगा दो, यानी ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, और अगर घट जाए तो ल्यूकोपीनिया। ओके, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, कंडीशन नोन एज If the number of RBC decrease abnormally, अब देखिए वही बात आ गई कि अगर RBC की संख्या abnormal तरीके से घटेगी तब हम उसको क्या कहेंगे, अब आप बताएंगे RBC का सेकेंड नेम क्या होता है, अब आपने बोला इरिथ्रोसाइट। ठीक, अब अगर abnormally तरीके से घट रही तो पीनिया लगा दीजिए, तो इरिथ्रोसाइटोपीनिया। ठीक, ये हो गया जा करके आंसर। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के 30 क्वेश्चन, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।